गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हमने अपनी एक इन्वायरमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम शंकर आईएएस की बुक को कवर कर रहे हैं। गाइस, हमने चैप्टर वन कर लिया था और चैप्टर टू जो था वो चल रहा था, जिसमें भी हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। और आज के जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल से, एंड आई होप कि इस चैप्टर को हम आज ही ख़त्म करते हैं। चलो तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल को। गाइस, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हम साइकिल्स पढ़ रहे थे, मतलब कि कैसे जो न्यूट्रिशन है, कैसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें बार बार आते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, फिर से नीचे आते हैं, हम लोग उनका यूज़ करते हैं, फिर से बार बार वही साइकिल चलती रहती है, जिसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में, पानी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे नाइट्रोजन जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर में आती है, कैसे उसको हम सब यूज़ करते हैं और फिर कैसे वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ये देखेंगे। चलो, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। देखो, इतना तो हम सबको अब तक पता ही है, ठीक है। हम लोग बहुत आजकल बहुत फिटनेस फ्रीक हो गए, हमें पता है भाई कार्ब्स नहीं खाने हैं, भाई फैट कम करो, भाई क्या करना है, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से ये हो जाएगा, प्रोटीन से वो हो जाएगा, प्रोटीन को डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करो। हम लोग अब इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि इतना तो हम सब ने सुना ही है, भले हम फॉलो करें ना करें, लेकिन सुना तो है ना, आपने भी सुना होगा। तो प्रोटीन से ही कहा जा रहा है कि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। हमारे जो जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं उन सबको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन ये प्रोटीन का भी एक मेजर जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन हमें चाहिए, तभी प्रोटीन मिल सकता है और तभी हमारा जो टिश्यू है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि हमारी जो बॉडी है उसको बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं ना कि हमें अल्टीमेटली हम किस पर डिपेंडेंट हैं, नाइट्रोजन पर भी हम डिपेंडेंट हैं। सिर्फ ऑक्सीजन और पानी ही हमें नहीं चाहिए, हमें भाई नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 16% बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन। जितनी प्रोटीन है उसका 16% हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। देयर इज एन इन exhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most of the living organisms. आपको याद है हम लोगों ने बचपन में एक पाई चार्ट जैसा पढ़ा था ना, जिसमें हम बनाते थे कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, आपकी जो CO2 है वो कितनी परसेंट है, ऐसा वाला एक गोल गोल जो पाई चार्ट था वो बनाया था, याद है ना आपको? मुझे तो याद है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल वही जो अगर आपको वो पाई ग्राफ थोड़ा सा भी याद हो तो आपको याद होगा कि 78% नाइट्रोजन बनाते थे, 21% अपना ऑक्सीजन रहता था, ऐसे इस तरीके से बनाते थे। वही यहाँ पर बात कही गई है कि भाई नाइट्रोजन जो है भर भर के हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन क्या हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। जो एलिमेंटल फॉर्म, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो भाई क्या करें, चाहिए तो है हमें, तो हम कैसे यूज़ करते हैं? हम ऐसा तो है नहीं कि घर पर बैठकर प्रेशर कुकर में नाइट्रोजन बना रहे हैं, कि भाई फ्राई करके नाइट्रोजन बना रहे हैं, ऐसा तो करते ही नहीं, किचन में तो नाइट्रोजन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ही नाइट्रोजन, अगर हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन हमारी लाइफ को चाहिए है, तो कैसे ही हमारी जो नीड है वो पूरी हो रही है, हमने तो कभी नाइट्रोजन नहीं बनाई, तो भाई देख लो क्या करना होता है। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। तो नाइट्रोजन जिस तरीके से प्रेजेंट है उस तरीके से तो यूज नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो नाइट्रोजन का यूज ही नहीं करेंगे। भाई नाइट्रोजन का यूज हम करेंगे, कैसे करेंगे हम? भैया जो फिक्स नहीं है उसको फिक्स कर लेंगे, तो हम मीन्स प्लांट्स, हम नहीं, ठीक है, हम नहीं करते हैं फिक्स, प्लांट्स हमारे लिए काम करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है, जिसको यूज नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, उसको वो फिक्स्ड करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, अमोनिया में,
नाइट्राइट्स में या फिर नाइट्रेट्स में। जब वो नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट बन जाती है तब क्या होता है, प्लांट्स उसको यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड इन थ्री डिफरेंट वेज। अब जैसे कि हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो फिक्स नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो हमें अवेलेबल है उस तरीके में, तो हम उसको फिक्स करते हैं। तो किस किस तरीके से हम उसको फिक्स कर सकते हैं? सो गाइस, नाइट्रोजन को हम फिक्स तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे होती है नाइट्रोजन फिक्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके नाम भी मैं बताऊंगी लेकिन आगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से भी हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कैसे? जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ना, खेतों में लगाते हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, यूरिया ये सब लगाते हैं ना, तो वो उससे क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन जो है उसको ही फिक्स करने के लिए हम काम करते हैं। थर्ड क्या है, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में थोड़ा सा इतू सा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। जब हमारा जो बादल गरजते हैं, बिजली बिजली होती है ना, लाइटिंग होती है बहुत ज़्यादा, थंडर होता है, बादल जो है वो गरजते हैं गड़गड़, तब क्या होता है, तब भी हमारा थोड़ा सा नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाता है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज़ फार एक्सीड द अमाउंट फिक्स्ड बाय द नेचुरल साइकिल। अब क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन हम मतलब मैन, ठीक है, हम फिक्स करते हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से वो इतनी ज़्यादा हम फिक्स कर दे रहे हैं जितना नेचुरल साइकिल से नहीं हो रही है। भाई नेचुरल साइकिल से जितनी होनी चाहिए थी, वो जो धीरे धीरे आपकी नाइट्रोजन फिक्स हो रही थी, हम उससे कहीं गुना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहे हैं। भाई इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा अवेलेबल हो जा रही है। और अब जब ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है वो तो पता ही है ना कि एक्सेस जो अगर कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक ही होता है। तो नाइट्रोजन भी अब क्या हो रहा है कि हमने हद से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी, तो क्या हो रहा है, वो पॉल्यूटेंट बन गई है। अब पॉल्यूटेंट बन गई तो क्या करेगी भाई, नुकसान करेगी। कैसे करेगी? एसिड ड्रेन हो सकती है इससे, यूट्रोफिकेशन हो सकता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो सकता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इसको फिक्स कर देती हैं अमोनियम आयन में। लेकिन इससे पहले भाई मैम गुजर ये एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ये क्या 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 बोल दिया भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता है आप लोग यही बोलने वाले हो, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हम आगे के जो चैप्टर्स हैं और आगे के वीडियोज हैं उनमें खूब डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो, थोड़ा सा बता दे रही हूँ अभी, जिससे कि आप अगर कोई बोले कि भाई क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप बता दो कि ये चीज़ ये होती है। देखो एसिड रेन क्या है, मतलब कि जो आपकी रेन है उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, तब जो है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है, 5.6 के आसपास अगर उसकी हो जाती है ना, तब वो हो जाती है आपकी एसिडिक रेन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या होता है, इन दोनों में ही क्या होता है कि पानी जो है उसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है कि एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो पूरा हमने देखा है ना, कहीं पे आपने देखा हो कोई तालाब वाला आप देखा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, तो फिर तालाब में आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना कि तालाब में आज ब्लू है पानी, है पानी, ऐसा कुछ नहीं करने पड़ता है, ब्लू है पानी की जगह पर आज ग्रीन है पानी नज़र आने लगता है, ठीक है। तो ग्रीन है पानी क्यों हो जाता है, उसमें हमने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कुछ प्लांट्स जैसे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एल्गी, वो वहाँ पर ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से आज ब्लू है पानी, पानी नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम कहते हैं आज ग्रीन है पानी, राइट। तो वो ग्रीन है पानी जो है वो एल्गी की वजह से हो जाता है, उस पर एल्गी बहुत सारी आ जाती है, और जब वो एल्गी ऐसी हो जाती है जिससे हमें कुछ हार्म होता है तो हम बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम। फिलहाल तो इतना ही समझ लो, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में थोड़ा ना पढ़ लेना है सब कुछ, आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे कि हम लंबे समय तक इसको याद कर पाए, है ना। चलो, दीज इंक्लूड फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं बताऊंगी डिटेल में कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं
उनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। नाम बता दो मैम इनका, तो भाई नाम सुन लो, इनका नाम क्या है, अजोटोवेक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। अब मैम यहाँ पर तो आपने कुछ और लिखा है, क्या लिखा है भाई, एक के आगे एरोबिक लिख दिया है, एक के आगे एनारोबिक लिख दिया है, तो हाँ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो समझ लो इसका मतलब भी समझ लो। देखो भाई एरोबिक मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में या फिर नाइट्रेट्स में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक। तो ऐसा कौन सा है इसमें से, अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर जो है वो अगर फिक्स करता है नाइट्रोजन को तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है। वहीं पर बात करें क्लॉस्ट्रीडियम की, तो क्लॉस्ट्रीडियम भी फिक्स करता है नाइट्रोजन को लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एन एरोबिक। ओके, द सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल प्लांट्स, राइजोबियम, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना, स्पिरुलिना, ये जो है ये भी फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। अमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स और आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बाय टू ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्राइट। देखो अब जो अमोनिया बन गई, भाई नाइट्रोजन से हमने अमोनिया बना ली, लेकिन कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो कि अमोनिया को ही टेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं भाई नाइट्रोजन भी नहीं चलेगा, अमोनिया भी नहीं चलेगी, हमें तो और इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, हमें तो नाइट्राइट लेना है या फिर नाइट्रेट लेना है। तो अब क्या करा जाए, हमारे जो अजोटोवेक्टर हैं, क्लॉस्ट्रीडियम है, स्पिरुलिना है, एनाबीना है, ये तो बोल देते हैं कि ना भैया हम तो नाइट्रोजन को अमोनिया ही बना सकते थे, हमने बनाकर दे दी, अब अपना देख लो। अब ये प्लांट्स भाई क्या करें, अब ये अमोनिया तो यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं नाइट्रोसोमोनास के पास में, बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास आप ऐसा करो, आप इसको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर दो। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है एक, वो बोलती है ठीक है हम इसको और कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होता है कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इसको और ज़्यादा कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया को भी नाइट्राइट बना देती है, ठीक है। फिर नाइट्राइट क्या होता है कि कुछ प्लांट्स अभी भी भैया नहीं ले पाते, कुछ प्लांट्स बोलते हैं कि नहीं 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 नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे बिल्कुल नहीं, अमोनिया ले लोगे, नहीं नहीं हम अमोनिया भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है चलो नाइट्राइट ले लो, तो बोलते हैं ना नाइट्राइट भी नहीं ले सकते, हम तो नाइट्रेट लेंगे, अब क्या करें। तो नाइट्रोसोमोनस तो बोल देता है कि आपने अमोनिया से अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने को बोला था, हमने कर दी, लेकिन अब हम भाई नाइट्राइट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, अब वो प्लांट क्या करें, अब वो प्लांट जाते हैं दूसरे बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम सॉल्व। अब नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को भी कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। अब जो प्लांट्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, अब नाइट्राइट वाले नाइट्रेट ले लेंगे, अमोनिया वाले अमोनिया ले लेंगे और नाइट्रेट वाले नाइट्रेट ले लेंगे, ठीक हो गया। ये पूरा नाइट्रोजन जो है वो कैसे आपके ऑर्गेनिज्म फिक्स करते हैं वो आपको आ गया होगा, है ना, भूलोगे नहीं ना पक्का। The nitrates synthesized by bacteria in the soil are taken up by plants and converted into amino acids, which are building block of proteins. अब क्या होता है, जो nitrates बने हैं वो मिट्टी में जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको सिंथिसाइज कर देते हैं मिट्टी में, मिट्टी से वो जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अमीनो एसिड इससे बनाते हैं, और अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। दीज देन गो थ्रू हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब भाई नाइट्रोजन का हम तो कर नहीं पाए, प्लांट्स ने करा सब कुछ जो भी फिक्सेशन करना था, अब क्या होगा, जो अमीनो एसिड्स हैं वो तो प्लांट्स में हैं, ठीक है, अब क्या होगा उनको जो और आगे के आपके ऑर्गेनिज्म से वो उनको कंज्यूम करेंगे, जैसे कि हमने खा ली प्लांट्स, ठीक है, कोई हर्बीवोर है उसने खा लिया प्लांट, फिर हर्बीवोर को किसी कार्निवोर उसने खा लिया, तो ऐसे नाइट्रोजन सबके बॉडी में पहुंच गया, ठीक। द ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एंड अपॉन द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब क्या होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म जिनने ये सब कंज्यूम किया है, जब वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है,
या फिर जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तब जब उनका जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होती है और फिर जो सब कुछ उनका जो डिकम्पोजिशन होने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है ना, तब उसके साथ में नाइट्रोजन भी मिट्टी में मिल जाती है अमोनिया के फॉर्म में. सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली सोल्युबल इन वाटर इज लॉस्ट टू द सिस्टम बाय बीइंग ट्रांसपोर्टेड अवे बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर. कुछ क्वांटिटी में आपका सॉइल नाइट्रेट है, क्योंकि सॉइल नाइट्रेट क्या होता है कि पानी में सोल्युबल होता है, तो वो आपका खो जाता है. क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसमें अंदर सीप कर जाता है या फिर रन ऑफ पानी के साथ में बह जाता है. इन द सॉइल एज वेल एज ओशंस देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. अब क्या होता है, ओशन क्या बोलता है, ओशन या फिर मिट्टी वो क्या बोलती है या फिर एटमॉस्फेयर क्या बोलता है कि भाई हमने आपको नाइट्रोजन दी थी, आप हमको अमोनिया दे रहे हो, हम अमोनिया नहीं लेंगे, हमको तो हमारी नाइट्रोजन चाहिए. तो ठीक है भाई, अब क्या करा जाए. तब एक बैक्टीरिया आकर खड़ी हो जाती है, बोलती है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, हम है ना, हम अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन बना देंगे. तो ये कौन सी बैक्टीरिया होती है, स्यूडोमोनास. ठीक है, स्यूडोमोनास क्या कहती है कि हम फिर से इसको नाइट्रोजन बना देंगे. तो ये क्या करती है कि ये कन्वर्ट कर देती हैं जो अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट से इसको जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट कर देती हैं. दिस नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर दस कंप्लीटिंग द साइकिल. अब ये जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो गई, एटमॉस्फेयर में चली गई और ये साइकिल कन्वर्ट पूरी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई. अब गाइस इसी के साथ में हमने फिलहाल तो कंग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि आपने जो सबसे टफ साइकिल जो हम सबको लगती है नाइट्रोजन साइकिल, वो आपने इतनी इजीली समझ ली है और मुझे पक्का पता है आपको ये याद भी होगी. हो गई ना याद, सारे नाम भी याद हो गए होंगे बैक्टीरिया के, कौन कहाँ पर आकर खड़ा हुआ था, किसने क्या किया था. अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे जाना, एक बार फिर से सुन लो मेरी कथा, मेरी कहानी, फिर आपको तो हो ही जाएगी, पक्का आपको हो ही जाएगी याद, है ना. फिलहाल तो हमने क्या करा है, हमने जो गैसियस साइकिल की जो वो थी सीरीज थी वो तो ख़त्म कर ली हमने, जिसमें पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब देख लिया. अब बात करते हैं दूसरी तरीके की साइकिल की. क्या आपको याद है कि मैंने बताया था कि साइकिल दो दो तरीके की हैं, दो तरीके की साइकिल बताई थी ना, कौन कौन सी है मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया था. अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कौन कौन से तरीके की साइकिल होती हैं. एक तरीके की हमने ख़त्म की है, दूसरे तरीके की हम शुरू कर रहे हैं. दूसरा तरीका चलो मैं ही बता दे रही हूँ, दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल. ठीक है, फिलहाल तो सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती हैं, वो ऐसी साइकिल होती थी जो कि ख़त्म, मतलब जिसको पूरा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था. ठीक है, नॉन परफेक्ट. फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं. फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मीन्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल. भाई सेडिमेंट्री साइकिल से कौन कौन से जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो सर्कुलेट होते हैं, तो पहला है फॉस्फोरस, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम. द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर बट फॉलोज अ बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रू इरोजन, सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीटा ऑफ मरीन बर्ड्स. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो एटमॉस्फेयर को इंक्लूड नहीं करती है खुद में. भैया ऐसा नहीं होगा कि सेडिमेंट जाएंगे एटमॉस्फेयर में फिर नीचे आएंगे, ऐसा गोल 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 ऐसी नहीं चलेगी. इसमें दूसरा पैटर्न यूज़ होता है. कौन सा पैटर्न है, इसमें इरोजन यूज़ हो सकता है, इरोजन हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, माउंटेन्स के थ्रू हो सकता है, वोल्केनोस के थ्रू हो सकता है, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटा, इन सब के थ्रू जो है इसका रिसाइकिल होता है. स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस साइकिल से. फॉस्फोरस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड वाटर क्वालिटी. फॉस्फोरस क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में और पानी की क्वालिटी में. रुको 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 भी मैम, रुक जाओ. एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे पूरा डिटेल में चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है. फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर पानी होता है, मतलब जिनका रहने की जगह क्या है, पानी. जैसे कि आपका ओशन हो गया, रिवर हो गई, पॉन्ड हो गई, मतलब क्या है, पानी रहने की जगह, हैबिटेट क्या है, वाटर है, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम. अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन विच कम प्राइमरली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर,
फॉस्फोरस अकर्स इन लार्ज अमाउंट्स एज अ मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स एंड एंटर्स द साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। जैसे कार्बन देखा हमने, जैसे नाइट्रोजन देखा जो कि एटमॉस्फेयर से आती थी हमारे यहाँ पर, फॉस्फोरस उनकी तरह नहीं है। वो बोलता है भाई हम तो हैं थोड़ा हटके, तो हटके कैसे हैं, तो फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है लेकिन कैसे, मिनरल्स की तरह। कहाँ पर मिलता है भाई, फॉस्फेट रॉक्स में मिलता है। और तब जब इसका जो रॉक्स हैं, फॉस्फेट रॉक्स हैं, इनका इरोजन होता है, माइनिंग की जाती है, तब ये साइकिल में एंटर कर जाता है। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसीडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। अब जो है यही न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स हमें मिलते हैं ना लेक्स में तैरते हुए मिलते हैं, तो वो सब इसी फॉस्फोरस की वजह से ग्रो करते हैं। अब इसको हम समझते हैं एक इमेज से, ये है आपकी एक पिक, इसको आप देखते हैं। देखो फॉस्फेट जो है वो सबसे पहले तो देखो अंडरग्राउंड पानी में पड़ी हुई है। ठीक है, अब कभी ऐसा हुआ कि ये जो पानी है, यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ की जो लैंड है, वो ऊपर उठ गई। ठीक है, और नए नए रॉक्स बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन रॉक्स की वेदरिंग हुई, पानी बरसा और वो आकर बहकर फिर से नीचे आ गई, पानी के साथ में समुद्र में आ गई। कुछ जो है वो फर्टिलाइजर से रन ऑफ करते हुए चली गई फार्मलैंड में, कुछ जो है अंडरग्राउंड चली गई, फिर उसका लीचिंग हुई तो वो पानी में चली गई, कुछ को प्लांट्स ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर थोड़ा एनिमल्स ने खा लिया उस प्लांट्स को, फिर वो मर गए तो डिकम्पोजिशन हुआ, फिर से वो लैंड में आ गई। इस तरीके से जो है फॉस्फोरस साइकिल आपकी चलती है। मैम आपने क्या बता दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इस इमेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ढंग से बताओ। तो भाई टेंशन मत लो, हम फिर से पढ़ते हैं, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, द मेन स्टोरेज फॉर फॉस्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट। अब जो फॉस्फोरस है कहाँ पर स्टोर है, तो हमारा जो फॉस्फोरस है मेनली वो अर्थ की क्रस्ट में स्टोर है। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, आपने ज्योग्राफी में पक्का पढ़ा होगा, है ना। ऑन लैंड फॉस्फोरस इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। लैंड पर कैसे मिलती है, तो फॉस्फोरस लैंड पर हमें फॉस्फेट्स की फॉर्म में मिलती है। बाई द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन फॉस्फेट्स एंटर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट ट्रांसपोर्ट दैम टू द ओशंस। अब क्या होता है कि जो आपकी फॉस्फेट्स की रॉक्स मिली हैं लैंड पर, जब उनमें वेदरिंग होती है, जब उनका इरोजन होता है, तब वो फॉस्फेट्स रिवर्स और स्ट्रीम्स में एंटर कर जाती है, और रिवर्स कहाँ जाकर मिलती हैं, आपके ओशन से मिल जाती हैं। इन द ओशन वंस द फॉस्फोरस एक्यूमुलेट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। ओशन में जाने के बाद में फॉस्फोरस जो है कॉन्टिनेंटल शेल्स पर इकट्ठा हो जाती है इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स की तरह। कई मिलियंस ईयर्स के बाद में क्या होता है, वो क्रिस्टल प्लेट्स जो हैं सी फ्लोर से ऊपर उठती हैं। जब सी फ्लोर पर बहुत सारी फॉस्फेट रखी हुई है और कई मिलियंस ईयर के बाद में वो फॉस्फेट ऊपर उठती है, तब क्या होता है कि होता ये है कि वो जब ऊपर उठी तो उसके साथ में आपकी फॉस्फेट जो नीचे सबमिट हो गई थी, घटी हो गई थी, वो भी ऊपर उठ जाती है। कुछ समय के बाद में क्या होता है कि फिर जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद में वो रॉक से बाहर आ जाती है और फिर उसकी जो है जियोकेमिकल साइकिल शुरू हो जाती है। तो अभी तो हमने देखा था किसको, फॉस्फोरस साइकिल को। अब देखते हैं अपनी दूसरी साइकिल, अब देखेंगे सल्फर कैसे आती है, कैसे जाती है, भाई इसको भी देख लो। ठीक है, द सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक कोल ऑयल एंड पीट एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स पाइराइट रॉक एंड सल्फर रॉक इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर। अब सल्फर कहाँ पर इकट्ठी होती है, तो भाई सल्फर जो है वो स्टोर होती है मिट्टी में और ये लॉक होती है आपकी कोल के अंदर, ऑयल के अंदर, पीट के अंदर, पाइराइट रॉक के अंदर, सल्फर रॉक के अंदर, सल्फेट सल्फाइड और ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में। कब रिलीज होती है, जब ये जो रॉक्स हैं इनका क्या होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, इनका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, तब ये जो है सल्फर आपकी रिलीज होती है।
द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री. सल्फर साइकिल जो है सेडिमेंट्री होती है, लेकिन कभी कभी ये जो है आपकी गैसियस भी हो जाती है. गैसियस कब होगी? जब जो इसके कंपाउंड्स मिलते हैं आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में या फिर सल्फर ऑक्साइड की फॉर्म में. तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, H2S एंड SO2. जब ये H2S और SO2 की फॉर्म में मिलेगी तब तो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या गैस हैं, तो गैसियस फॉर्म में मिलेगी, अदरवाइज ये सेडिमेंट्री फॉर्म में मिलती है. सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. अब जो सल्फर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे आती है, तो वोल्केनो से आती है. जब वोल्केनो फटता है तब आती है. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाने पर मिलती है सल्फर हमें, ठीक है. और ओशन के सरफेस से मिलती है, गैसेस से मिलती है जो कि डिकम्पोजिशन के टाइम पर रिलीज होती हैं. एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज इंटू सल्फर डाइऑक्साइड. जो एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो भी ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करती है तब सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है. एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरीड बैक. अब जो एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है वो फिर से अर्थ पर आ जाती है जब ये रेन वाटर में डिजॉल्व होती है. वट एवर द सोर्स, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स इज टेकन अप बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनटू सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफ टिश्यूज. अब क्या है, चाहे किसी भी सोर्स से आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन सल्फर सल्फेट की फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं और उसको कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज करते हैं, जिससे कि क्या बनता है आपका अमीनो एसिड और उससे बनती है आपकी टिश्यूज, ठीक है. इट देन पासिस थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन. अब प्लांट्स ने क्या किया, सल्फर को अमीनो एसिड में बनाया, अब उनके पास में क्या हो गया, अमीनो एसिड आ गई. ग्रेजिंग फूड चेन में जो कई सारे आपके एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, उसके बाद में वो सल्फर उनके पास पहुँच जाती है, ठीक है. सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरीड बैक टू द सॉइल टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड. देखो, अब जो एनिमल्स जिन्होंने वो सल्फर खाई थी, ठीक है, जो प्लांट्स खाए थे जिसमें सल्फर थी वो खा लिया, अब जब उनके अंदर सल्फर आ गई, अब जब वो मरेंगे तब वो डिके होगा जब उनका, तब फिर से वो मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में उनके साथ सल्फर भी मिल जाएगी, ठीक है. द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स डिस्कस्ड हियर आर ओनली अ फ्यू ऑफ मैनी साइकिल्स. अब ये जो साइकिल्स हमारी यहाँ पर ख़त्म होती हैं, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई दुनिया की सारी साइकिल हमने पढ़ ली. जी नहीं, हमने कुछ थोड़ी सी इतनी सी साइकिल्स पढ़ी हैं अभी तक जितनी पढ़ी हैं. बहुत सारी साइकिल्स होती हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारी दुनिया में, ठीक है. तो भैया सारी साइकिल्स हम नहीं पढ़ेंगे, हमने जितनी इंपॉर्टेंट थी, जितनी हमारे बुक में है, जितनी हमें चाहिए थी, वो सब हमने पढ़ ली हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी साइकिल्स ख़त्म होती हैं. आई नो ये साइकिल मुझे तो, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था जब मैं पढ़ती थी, ठीक है. लेकिन अब मुझे आता है, जब आता है तो फिर हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है. तो अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा है तो भाई झेल लेना, समझ लेना, आपकी भले के लिए है, है ना. नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लो. मैंने बोरिंग तो चलो अच्छा होगा, हो सकता है बोर हो गए हो, लेकिन फिर भी समझ में आना इम्पॉर्टेंट है, राइट. हमें अच्छी चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन हमें अगर बोरिंग है तो वो भी पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक. तो इसके साथ में क्या होता है, साइकिल्स हमारी ख़त्म हो गई. अब हमारा एक छोटू सा एक टॉपिक और बचा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन को. गाइस इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी भैया बहुत महान काम किया है हमने, साइकिल्स ख़त्म करी हैं भाई, है ना. तो पार्टी बनती है, हमने साइकिल्स ख़त्म की हैं. तो आज हम नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे. और अब आपको करना क्या है, आपको पता है वैसे तो, फिर भी मैं आपको याद दिला दे रही हूँ. आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी इस वीडियो से, तो आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है वो भी आप उसको समझ लेना, है ना. जब मैं उसको अपलोड करूँगी तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा सा नाम, नॉलेज ट्रेजर हंटर्स. नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, बस सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करो और देख लो, है ना. चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन.